नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा। आज आपको बताऊंगा सेट्स। सेट्स का आज पांचवा लेक्चर है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। बाकी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए आप ये एक एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, एक्सिस के नीचे पैरेलल में कितने लाइंस आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 खींचे जाएंगे फ्रेंड्स। क्या ये इंडिफिनाइट है कि फिनाइट है, ये है इंडिफिनाइट। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मतलब ये दिया क्या है, फिनाइट है कि इनफिनाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या फ्रेंड्स, फिनाइट है इनफिनाइट है, ये फ्रेंड्स फिनाइट है। क्यों, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये अपन सभी को पता है, ये मतलब लिमिटेड होते हैं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें, कितने होते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होते हैं 26। कितने होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26। आप अगला देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, मतलब ये पहला था ये फिनाइट है इनफिनाइट है। पहला देखिए, 5 को मल्टीप्लाई 5 बनता 5, 5 टू द 10, 5 टू द 15, ऐसा ही आता जाएगा। इसलिए कहाँ थोड़ी ना कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या है, इनफिनाइट है। कुछ ने कोई लिमिट नहीं दी अपन को, अगर लिमिट दी होती कि जाना कहाँ तक है उसको, तो फिर ये होता क्या, फिनाइट सेट। बट ये क्या है, इनफिनाइट सेट है। आइए हम लिखते हैं इनफिनाइट सेट है। क्या फ्रेंड्स, फ्राइट सेट। अब देखते हैं अगला चौथा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये फ्रेंड्स क्या है, फ्राइट है कि फ्राइट है। आप अच्छे से सोच के बताओ मुझे कि ये सेट है क्या, है क्या फ्राइट सेट है कि इनफ्राइट सेट है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कितने एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं, आपको पता है, हमें और आपको नहीं पता, पर किसी ने तो इसको पता किया होगा ना कि तो कितने लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ है, तो ये क्या होगा, फिनाइट सेट। क्या होगा फ्रेंड्स, फिनाइट सेट हो जाएगा, FINITE, फिनाइट सेट। सेट लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिनाइट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, फिनाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा एक कह रहा है, मतलब एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, मतलब एक पॉइंट से कितने सर्कल टच होके वो बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं उसको कि मतलब ये क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाह रहा है, और ये फिनाइट सेट है कि इनफिनाइट सेट है। पांचवा, आइए हम और आप सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, चिंता की कोई बात नहीं है, साथ में करेंगे। द सेट ऑफ सर्कल, क्या लिखा है, द सेट ऑफ सर्कल, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, क्या फ्रेंड्स, पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0, ठीक है फ्रेंड्स। अब बताना है क्या होगा इसके, फिनाइट होगा इनफिनाइट होगा, फ्रेंड्स बताइए। देखिए, द सेट ऑफ सर्कल मतलब सर्कलों का सेट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0, मतलब ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ओरिजिन है। अब इससे कितने कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 1 2 3, मतलब टच होना चाहिए, पॉइंट में टच होना चाहिए, 3 4 5 6, जितना चाहे उतने कर दें, लेकिन फ्रेंड्स पूरी क्या बन जाती है, खिचड़ी बन रही है वहाँ पर। मान लीजिए पॉइंट है ये, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, पांच सर्कल, 4 5 6 7, बहुत सारे हो सकते हैं ना, इन्फिनिट हो सकते हैं, क्योंकि मैं मार्कर की वजह से कर रहा हूँ, उसकी वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा है। आप पेंसिल से करेंगे तो एकदम क्लियर आएगा, नीट एंड क्लीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, इन्फिनाइट, क्योंकि बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा क्या कह रहा है, In the following state, whether A or equal to B,
ए और इक्वल टू बी आर नॉट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कह रहा है फर्स्ट ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब मैं आपको राइट पर लिखता हूँ ना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं साथ में सॉल्व करेंगे मिलके, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है। चौथा ये कह रहा है कि मतलब ए और बी इक्वल है कि नहीं है और नॉट, अपन को सिर्फ ये बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन में ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है, ए बी सी डी ये दिया गया है, और बी में क्या दिया गया है, डी सी बी ए। अब फ्रेंड्स बताइए ये इक्वल है कि नहीं है, ए और बी इक्वल है कि नहीं है, तो क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें, ए इक्वल्स टू बी, क्या लिखेंगे अपन, नॉट इक्वल है ना ये, हैंस ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, यही आएगा ना फ्रेंड्स आंसर, खत्म। अब देखते हैं अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है। आइए हम और आप करते हैं क्या सॉल्व इसको, अपन इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है 4 8 12 16, 4 8 12 16 ये दिया गया है, और बी में दिया गया है 8 4 16 18 दिया गया है क्वेश्चन में, है कि नहीं फ्रेंड्स, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब बता रहा है ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, देखिए फ्रेंड्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट इसमें क्या जो इसमें दिया गया है 18 नहीं दिया गया उसमें, तो क्या है ए और बी नॉट इक्वल्स टू, है कि नहीं फ्रेंड्स, ए और बी क्या है इक्वल नहीं है। फर्स्ट वाले में जो दिया गया था अपन को, फर्स्ट वाला जो दिया गया था फ्रेंड्स एक बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये फर्स्ट वाला जो अपन ने कहा था थोड़ा सा गलत हो गया है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए एकदम सही है, ए और बी इक्वल नहीं आर नॉट इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो फर्स्ट वाला था अपन ने भी करा है वो क्या था, ए बी सी डी था और बी बी सी डी सी था, देखते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में फ्रेंड्स ये गलती हुई है, क्योंकि वो क्या है वो इक्वल है और अपन ने इसको नॉट इक्वल कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी सी डी फ्रेंड्स ये दिया गया है ए बी सी डी, और फ्रेंड्स बी में दिया गया था डी सी बी ए। फ्रेंड्स देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और कंटेंट भी सेम है, बस ये अरेंज आगे पीछे है, तो क्या होगा फ्रेंड्स ये इक्वल होंगे, तो अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स अपन इसको लिख देंगे हैंस ए बी आर आर इक्वल्स, आर इक्वल ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, आइए हम और आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2 4 6 8 बी में ए में कह रहा है वो क्या कह रहा है 2 4 6 8 बी में कह रहा है, बी में क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आइए हम और आप क्या करेंगे देखेंगे, हम और आप देखेंगे बी को क्या, बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है मतलब एक्स इज सच दैट इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x is a positive even integer, integer, ठीक है friends, integer and x greater than 10, ठीक है friends, ये दिया गया है, तो friends क्या है ये, a और b equal है इसमें भी, क्या है friends, equal है, जैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं friends, a equals to b, तो इसमें क्या है ये, x is positive integer है, even integer है, इसमें भी positive दिया गया, और क्या है greater than किससे है 8 से, 10 से greater than भी है, equals to भी है, ठीक है friends। यहाँ पर friends एक number और add कर देते हैं यहाँ पर 10, ठीक है friends, हम उसे add नहीं किया उसमें दिया गया है, ठीक है friends 10, ठीक है friends। अब हम question number अपना third भी हो चुका है, अब question number fourth की ओर हम बढ़ते हैं, question number fourth क्या रहा है, ठीक है friends। आइए हम और आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या फ्रेंड्स चौथा, आइए क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा सॉल्व करते हैं, और इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट भी होने वाला है,
अब हम मिलेंगे फिर लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मिलेंगे 6 में। ये ए क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है ए x such that is a multiple of 10, x is such that x is a multiple of 10, multiple of 10। और बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है 10, 15, 20, 25 इंडिफिनिट तक जा रही है, ठीक है फ्रेंड। 30 तक भी अपन कर सकते हैं, इंडिफिनिट तक जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ए और बी इक्वल टू है कि नहीं, ए और बी इक्वल टू है कि नहीं, अपने बताना है। तो क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू है ही नहीं। अब देखते हैं, hence a and b are not equals to b, a and b are not equal, set। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।